हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आपके पास फॉक्सवैगन की कोई कार है या फिर कोई भी स्कॉडा या फिर सीआरडीआई इंजन वाली जो भी कार है, नई कार जो होती हैं डीजल इंजन में, उनमें जो सेंसर्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे डाटा लिंक करते हैं, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है सेंसर्स की, जैसे कि टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर हो गया, बूस्ट कंट्रोल वॉल्व हो गया या फिर ऑक्सीजन सेंसर हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं, ताकि कल को अगर आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कोई लाइट ब्लिंक करती है, कोई भी चेक इंजन लाइट या हीटर ग्लो प्लग लाइट, तो आप एक बार डायग्नोस कर सकते हैं अपने आप से भी मे बी इस जगह में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ सभी सेंसर्स का, जैसे N75 वॉल्व का, प्रेशर सेंसर का, ऑक्सीजन सेंसर का, टर्बो के एक्चुएटर का। सो मैं इनका सबका बेसिक बता देता हूँ आपको एक बार, और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं ढेरों वीडियोस हैं फॉक्सवैगन की कार्स और स्कॉडा की कार्स के ऊपर। ये है आपका सोलेनोइड वॉल्व, टर्बो बूस्ट कंट्रोल वॉल्व। ओके, यहाँ से एक पाइप जा रही है वैक्यूम की, जो कि जा रही है सीधी की सीधी टर्बो के एक्चुएटर में। ये रहा एक्चुएटर, ये क्या करता है, ये पाइप बनाती है वैक्यूम। वैक्यूम से ये एक्चुएटर क्या करता है, सेंस करता है कि वैक्यूम बन गया है या नहीं बना है। उसके हिसाब से ये एक्चुएटर क्या करता है, टर्बो को कंट्रोल करता है। ये इसके नीचे एक शाफ्ट लगी होती है। ओके, सो आप देख भी सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अगर दिखेगी तो, वो नीचे एक शाफ्ट होती है यहाँ पे, एकदम यहाँ पे वो शाफ्ट एक्चुएट करता है। ये एक्चुएटर ऊपर नीचे होती है वो शाफ्ट। ओके, फिर टर्बो अपना काम करेगा, प्रॉपर प्रेशर बनाएगा, वो प्रेशर से एयर फिल्टर से लेकर प्रेशर से बनाएगा और सीधी भेजेगा इंटरकूलर में, फिर EGR में भी जाएगा एक साइड से एक पाइप। इंटरकूलर से फाइनल जो पाइप आती है इनटेक मैनिफोल्ड में, ये वाली, इसके स्टार्टिंग में लगा होगा टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर। वो ये मेज़र करता है कि प्रॉपर कितना टर्बो जो है वो एयर का प्रेशर बना के भेज रहा है इंजन के मैनिफोल्ड में। सो टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर अपना ही अपना डाटा लेगा, उधर से जो ऑक्सीजन सेंसर है जो कि साइलेंसर में लगा होता है वो अपना डाटा लेगा, प्लस मास एयर फ्लो, अपना मास एयर फ्लो सेंसर ये जो लगा हुआ है एयर क्लीनर में, ये अपना डेटा लेगा और सारे का सारा ECU में भेजेगा। ECU दैट इज इंजन कंट्रोल यूनिट, आप इसको ब्रेन ऑफ द कार भी बोल सकते हैं। इन सभी सेंसर्स का डाटा जब इसके पास जाएगा ECU के पास, तब ये ECU ये चेक करेगा कि कितनी एयर जा रही है और कितनी एयर इंजन के अंदर जा रही है, और उसके बेस पे इसको कितना जो डीजल है वो इंजेक्टर से स्प्रे करवाना है एट द टाइम ऑफ कम्बशन। ओके, वैसे जो नॉर्मल कंप्रेशन रेशियो होता है वो 14:1 होता है, याद रखना। अगर 14 दाने अगर हवा के होंगे तो एक दाना जो है वो डीजल का होगा, फ्यूल का होगा, यही एक कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल इंजन में 14:1। तो इसलिए ये सारे सेंसर्स की रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी मैं आपको बताता हूँ, अगर हीटर की आपकी ग्लो प्लग लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर आपका वहाँ पर एरर आ रहा है, लो प्रेशर टर्बो बूस्ट प्रेशर लो है, तो ये रीडिंग आपको कौन दे रहा है, टर्बो बूस्ट प्रेशर सेंसर। वो बता रहा है कि प्रेशर लो है पाइप में, टर्बो उतना प्रेशर नहीं बना पा रहा, नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा, मे बी आपका एक्चुएटर काम नहीं कर रहा। ओके, एक्चुएटर, टर्बो तो आपका घूम ही रहा है लेकिन एक्चुएटर उसको प्रॉपर, उसका फ्लैप नहीं खोल रहा, जिसकी वजह से प्रेशर आगे इनटेक मैनिफोल्ड में नहीं जा पा रहा। एक्चुएटर क्यों नहीं काम कर रहा, एक्चुएटर इसलिए नहीं काम कर रहा होगा क्योंकि आपका N75 जो कि टर्बो बूस्ट कंट्रोल वॉल्व है वो काम नहीं कर रहा। तो आपको ये सब डायग्नोस करना आना चाहिए। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस चीज़ से ये सब होता है, ये प्रेशर सेंसर इसकी वजह से लगा होता है। ओके, सो ये थी एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नहीं डिटेल वीडियो भी बता सकते हैं, मैं इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं, आप देख सकते हैं ढेरों वीडियोस हैं फॉक्सवैगन की कार्स और स्कॉडा की कार्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, वेरी नाइस डे।